और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस ने एक बार फिर से कॉल सेंटर पर छापेमारी कर 11 लड़कों को गिरफ्तार किया है। जी हां, यह लोग खुद को अमेज़न कस्टमर केयर का बताते थे। यह लोग ई कॉमर्स कंपनी के नाम पर फोन कर विदेशी नागरिकों को अपना शिकार बनाते थे। महानगर के तारा तल्ला इलाके में एक बिल्डिंग में यह लोग अपना गोरख धंधा चला रहे थे, जिसे पुलिस ने छापेमारी कर पर्दाफाश किया और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवकों में कोटगंज इलाके का रहने वाला दो भाई समेत कुल 11 लोग शामिल हैं। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें वाटगंज का मोहम्मद तस्फीन, बनियापुकुर का रहने वाला मोहम्मद अली, वाटगंज का मिर्जा रियाज, वाटगंज का मिर्जा शहनवाज, तिलजला इलाके का काशिफ हसन, तिलजला का मोहम्मद शहबाज, मटिया ब्रुज का शेख जसीम, कड़िया का रहने वाला बबलू प्रसाद, बनियापुकुर का तौसीफ अली, बजबज का रहने वाला शाहिद अफरीदी, महेश तला का रहने वाला अभिजीत घोष शामिल है। पुलिस का कहना है कि आरोपी इस इमारत से अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन ठगी गिरोह चला रहे थे और वहां से लोगों को ठगने के लिए अवैध तकनीकों का इस्तेमाल कर विदेशी नागरिकों को ठगते थे। यह फर्जी कॉल सेंटर चलाने के आरोप में गिरफ्तार सभी आरोपी 19 से 36 साल के बीच हैं। मालूम हो कि इससे पहले कोलकाता पुलिस ने इसी महीने की शुरुआत में इसी तरह के फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया था और अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ठगने के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, हालात बंगाल, न्यूज टैग इंडिया। सपोर्ट थ्रू सपोर्ट अस जीपे एंड फोन पे 9831060581।